वाइज वेलकम टू अनुजा सुप्रिया चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और मैंने अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उसके लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। और आप देखिए ये लुक कैसा है, और मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए दिखाती हूँ कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। और आप लोगों को पसंद आए तो ये लुक आप लोग भी वैलेंटाइंस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग फटाफट से देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए फटाफट से, मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम कर लिया है और अब मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने जा रही हूँ। क्रायलोन का सुप्रा कलर लिया है मैंने और उसमें जो ऑरेंज शेड है उसे मैं कलर करेक्टर की तरह यूज़ करने जा रही हूँ। अपने अंडर आई एरिया पर मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से उसे डैबिंग मोशन में अप्लाई करती जा रही हूँ। दोनों आईज़ के नीचे मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। अब मैं लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से उसे सेट करने जा रही हूँ। एक ब्रश की मदद से मैंने ये पाउडर अप्लाई किया जिससे कि मेकअप रेवोल्यूशन का ब्राउ किट यूज़ करते हुए मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ। और अब मैं मेबलिन का एज रिमाइंडर कंसीलर अपने ब्राउज़ के नीचे और आई लिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये आई मेकअप के लिए हमारा एक बेस का काम करे एज ए आई प्राइमर। और उसे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से डैबिंग मोशन में सेट कर रही हूँ। दूसरे आईज पर भी मैंने इसे सेट कर लिया। अपने अपने आईज़ के कॉर्नर पर टेप लगा रही हूँ। दोनों आईज़ के कॉर्नर पर मैंने टेप लगा दिया। अब मैं मेकअप रिवोल्यूशन का विविड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और उसे मैं अपने ब्राउज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप रिवोल्यूशन का ही ब्राउन शेड मैंने लिया है अपनी क्रीज लाइन को क्रिएट करने के लिए और उसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं मिस क्लियर का आई पैलेट लिया मैंने, आई शेडो पैलेट, और उससे मैं रेड कलर लेकर अपनी क्रीज लाइन के जस्ट नीचे इसे अप्लाई कर रही हूँ। सेम यही प्रोसेस मैं अपनी दूसरी आई पे भी कर रही हूँ। और अब मैं उसी पैलेट से ब्लैक कलर लेकर अपने आई बॉल्स के ऊपर इसे अप्लाई करूँगी स्मोकी आई इफ़ेक्ट देने के लिए। और सेम प्रोसेस मैं अपनी दूसरी आई पर भी कर रही हूँ। अब मैं क्रायलोन का ही सुप्रा कलर लेकर अपने टोन से मैच करता हुआ कलर लेकर उसे ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और अब उसे मैं अपनी ब्रश के हेल्प से ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ।
अच्छी तरह से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई पैचेस जैसा नज़र ना आए, अच्छी तरह से इक्वली सब जगह स्प्रेड हो जाए और अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और अब मैं मेबलिन का एज रिमाइंडर कंसीलर लेकर अपने अंडर आइज एरिया में लगा रही हूँ, नोज़ के ऊपर एंड चिक। और अब मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ एंड आइज़ के कॉर्नर में मैंने अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए ब्लेंड किया। और अब मैं क्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर जो हाईलाइट एरिया है उसके ऊपर मैं उसे बेक करूँगी, अंडर आई एरिया को बेक कर रही हूँ मैं। दूसरी आइज़ के नीचे भी मैंने इस ट्रांसलूसेंट पाउडर को अप्लाई किया। एंड नोज़ के ऊपर, फोरहेड पर एंड चिक्स पर, दूसरी चिक्स पर भी। अब मिस क्लेयर के उसी पैलेट से सेम रेड कलर जो हमने ऊपर अप्लाई किया था अपनी क्रीज लाइन के नीचे, अब ये लोअर लैशेस पर भी अप्लाई कर रही हैं कर रहे हैं। और थोड़े टाइम छोड़ने के बाद जो हमने बेकिंग की थी अब एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर रहे हैं। और अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन के कॉन्टोर पैलेट से अपने चिक्स को कॉन्टोर करने जा रही हूँ। और अब मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं काजल अप्लाई करने जा रही हूँ। और अब मेकअप रेवोल्यूशन के ब्लश पैलेट से मैं पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन के ही हाइलाइटर्स को मैं ब्लश के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ।
और अब मैं मैक का रूबी वो लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। ये मेरे मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स में से एक है। इसका शेड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे लगा कि वैलेंटाइन के लिए ये परफेक्ट है, ये रेड शेड जो है। आप लोगों के पास भी लिपस्टिक के कलेक्शन में एक ये शेड होना ही चाहिए, तो आप भी मैक का रूबी वू ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा शेड है, हॉट रेड है। किसी भी पार्टी फंक्शंस पे ये जो है रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेरा मेकअप फिनिश हो गया है और मैं ऑफ कैमरा जाकर अब अपने आई लैशेस लगा लूँगी। ये है गाइस मेरा फाइनल लुक। तो गाइज यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है, और आपको अगर मेरा ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही किसी मेकअप या रिव्यू के साथ मैं दोबारा आपसे किसी वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।